चुनौतियों से निपटने में भारत कभी पीछे नहीं रहा है। देश की सेना व रक्षा वैज्ञानिकों ने विश्व स्तरीय संसाधनों का विकास किया है। दुर्गा 2 पलक झपकते ही ड्रोनों का खात्मा कर देगा। आपने नोटिस किया होगा बॉर्डर पे अधिकतम न्यूज में ये आता है कि बॉर्डर पे दुश्मन देशों ने छोटे छोटे ड्रोन से हमला किया। अब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब कोई भी ड्रोन हो जो हमारे दुश्मन देश भारत देश की तरफ भेजते हैं आक्रमण के लिए, या फिर कहीं भी किसी ड्रोन से कोई खतरा महसूस होगा तो दुर्गा 2 उस ड्रोन का तुरंत खात्मा कर देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्गा 2 कितना पावरफुल है और दुर्गा 2 कब भारत में लॉन्च किया जा रहा है, भारत के सैनिकों को कब दिया जा रहा है। अगर दुर्गा 2 अब लॉन्च हो रहा है तो दुर्गा 1 यानी कि दुर्गा के बारे में हमने कभी सुना नहीं। क्यों दुर्गा को छिपा के रखा गया और दुर्गा 2 को लॉन्च किया जा रहा है, जानेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, मैं आपका दोस्त तेज प्रताप और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप जी टेक में। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंडिया के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया के डिफेंस रिलेटेड, इंडिया के नए नए वेपन्स रिलेटेड वीडियोस लेके हमेशा आते रहते हैं। तो दोस्तों आतंकी हो या देश के दुश्मन, उनके किसी हमले से क्या घबराना। भारत के रक्षा वैज्ञानिक हर चुनौती और खतरे को समझकर अनुसंधान में लगे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO के वैज्ञानिक भी दुर्गा 2 का परियोजना में व्यस्त हैं। जल्द ही इनके ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद है। मैं आपको बता दूं, रक्षा वैज्ञानिक बताते हैं कि दुर्गा 2 के ऑपरेशनल होने के बाद भारत किसी भी ड्रोन को पलक झपकाते न केवल खोज लेगा बल्कि मार गिराएगा। बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और अन्य विशेष VIP को बहुत छोटे छोटे आकार के ड्रोन जैसे हमलों से बचाने की क्षमता विकसित की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह पता चला है कि देश के विशिष्ट व्यक्तियों को ड्रोन या कम ऊंचाई से उड़ने वाले ऑब्जेक्ट से बचाने की क्षमता सुरक्षा बलों के पास है, बट आने वाले समय में और मजबूत बनाए जाने की योजना है। विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए माइक्रोवेव या एक्सरे तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। काली परियोजना पर चल रहा काम विकिरण से होगा सफाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, काली एक ऐसा वेपन है जो हमारे दुश्मन देशों को एयर फायरिंग हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि अगर कभी हवा में कोई आक्रमण करता है चाहे कोई भी हो, तो हम काली वेपन से उसे ख़त्म कर सकते हैं। मैंने काली वेपन पे ऑलरेडी बहुत ही प्रॉपर वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिए। काली कितना खतरनाक है दुश्मन के लिए। दुर्गा 2 के वार से ध्वस्त होंगे दुश्मन के ड्रोन, क्योंकि सीमा पार की गुस्ताखी हरकतों को लेकर देश के वैज्ञानिक भी सतर्क हैं और उन्हें नस्तनाबूद करने की प्रणाली विकसित की जा रही है। दुर्गा 2 परियोजना देश की एक विशिष्ट गोपनीय योजना है, इसलिए इसके बारे में बहुत कुछ अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। इसकी मैं वही जानकारी आपसे शेयर करूंगा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने जो वहां से पता किया, मैंने वहां से जो पढ़ा, मैं सोचा उसके बारे में आपको कुछ प्रॉपर जानकारी दे दूं। ये प्रहार कैसे करेगी तो मैं आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यह लेजर तकनीकी पर आधारित तंत्र होगा जो 100 किलो वाट की क्षमता वाली इस प्रणाली से लेजर बीम के जरिए किसी भी ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट को 1.5 से 2 किमी की ऊंचाई पर हवा में ही नष्ट कर देगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गा 2 के दुश्मन के ड्रोन को खोजने, उसे पहचानने तथा लक्ष्य पर लेकर उनके कई हिस्सों को भेदने की क्षमता रखता है। यह प्रणाली एक बार में कई लक्ष्यों को पहचान कर और उसे लेजर ऊर्जा के सहारे नष्ट कर सकेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सुरक्षा, 15 अगस्त तक 26 जनवरी जैसे समारोह की सुरक्षा को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां काफी गंभीर हैं। माना जा रहा है कि इसके लिए लेजर आधारित हथियारों की तकनीकी अपनाई जा सकती है। हालांकि कभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह तकनीकी और सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से देसी होगी या फिर इसे किसी सहयोगी देश की सहायता से तैयार किया जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि इस तकनीकी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ली जाएगी। इसे इतना पावरफुल बनाया जाएगा दुर्गा 2 को, जिससे कि कोई भी दुश्मन हो, चाहे वो भारत के अंदर किसी पर हमला करना चाहता हो या फिर भारत के बाहर बैठ के बॉर्डर पे हमला करना चाहता हो, उसे नेस्तनाबूद किया सकता है। इस प्रकार बनाया जा रहा है दुर्गा 2। तो दोस्तों अभी दुर्गा 2 लॉन्च नहीं हुआ है, जैसे ही लॉन्च होगा इसके बारे में जितनी जानकारी आएगी मैं उस पर एक और वीडियो लेके आऊँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।